क्या आप जानते हैं कि पुलिस और कोर्ट की नजरों में टीआरपी स्कैम का मास्टरमाइंड कौन है? टीआरपी स्कैम का मास्टरमाइंड कोर्ट और पुलिस की नजरों में जो है उनका नाम है पार्थो दास गुप्ता, यानी BARC के एक्स CEO, और इसी वजह से उनकी बेल भी रिजेक्ट की गई है। कोर्ट के सामने मुंबई पुलिस ने 3600 पेजेस की जो चार्जशीट पेश की है उसमें उस व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र है जो पार्थो दास गुप्ता और अर्णब गोस्वामी के बीच हुई, और इसमें साफ तौर पर जो बात निकलकर सामने आती लग रही है वो ये है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसमें टीआरपी मैनिपुलेट की गई, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर मास्टरमाइंड था पार्थो दास गुप्ता का। ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट सीम्स सम कोड वर्ड्स वर यूज बाय दास गुप्ता इन द व्हाट्सएप चैट एंड ही वुड बी द प्रॉपर पर्सन टू एक्सप्लेन देयर मीनिंग फॉर विच फेस टू फेस इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। और इसीलिए उनको जमानत नहीं दी गई है, बल्कि सबसे ज्यादा बड़ा खुलासा पार्थो दास गुप्ता की तरफ से ही हो सकता है, क्योंकि अभी इस मामले के कई और ऐसे पहलू हैं जो निकलकर अभी तक सामने नहीं आए हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट द केस अपीयर्स टू बी मोर देन जस्ट टीआरपी मैनिपुलेशन व्हाइल रेफरिंग टू दास गुप्ता'स व्हाट्सएप चैट्स एंड इट अपीयर्स फ्रॉम द पेपर्स पुट फोर्थ बिफोर मी इट इज नॉट द केस ऑफ सिंपल मैनिपुलेशन। कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि ये मामला सिर्फ टीआरपी मैनिपुलेशन का नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी बहुत कुछ ऐसा है जो निकल कर सामने आ सकता है। जाहिर है BARC एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो चैनल्स की रेटिंग्स को मॉनिटर करती है, उस पर एक पूरा रिपोर्ट बनाकर पेश करती है। ऐसे में जब तक BARC खुद न चाहे तब तक टीआरपी में मैनिपुलेशन होना संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि टीवी चैनल्स अप्रोच करें, लेकिन जब तक BARC का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक BARC से कोई शामिल नहीं होगा, तब तक टीआरपी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। और कोर्ट को यह लगता है कि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड काम कर रहा था वो पार्थो दास गुप्ता का था। और अब मामला यह है कि जितनी भी चैट सामने आई हैं उसमें एक बात जो निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि इस पूरे मामले के पीछे पार्थो दास गुप्ता का प्लान काम कर रहा था, उनका मास्टरमाइंड काम कर रहा था, और वो टीआरपी मैनिपुलेट करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हो सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाना मुंबई पुलिस का काम है। मामला अदालत में है और इस समय सबके फोकस में इस समय आ चुके हैं पार्थो दास गुप्ता। हो सकता है उनके पास कई और ऐसे राज हों जो अभी तक निकलकर सामने नहीं आए हैं।